उत्तर प्रदेश की उन्नाव पुलिस की दो तस्वीरें बड़ी सर्कुलेट हो रही हैं। एक तस्वीर में पुलिसकर्मी उग्र भीड़ के पथराव के बीच सर पर स्टूल रखकर आत्मरक्षा कर रहा है। दूसरी तस्वीर में पुलिसकर्मी एक डलिया को ढाल की तरह हाथ में लिए है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। तस्वीरें सामने आईं तो पुलिस की फजीहत भी हुई। लोग बोले कि साहब ये कौन सा तरीका है सेल्फ डिफेंस का। तस्वीरें देखकर एक बारगी आप हंस सकते हैं, लेकिन मामला सीरियस हो गया। आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह ने इसे गंभीरता से लिया और बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने इसे स्थानीय पुलिस की शिथिलता, अक्षमता और गैर व्यावसायिक दक्षता बताते हुए सस्पेंशन की कार्रवाई की है। सदर कोतवाल दिनेश चंद्र मिश्र, मगरवाला चौकी प्रभारी अखिलेश यादव और दो सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही क्षेत्राधिकारी नगर कृपा शंकर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। आईजी ने ये ट्वीट किया। इंडिया टुडे रिपोर्टर विशाल चौहान की खबर के मुताबिक उन्नाव के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवीखेड़ा गांव के दो लोगों की हादसे में मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद बॉडी को लोगों द्वारा अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के बहाने शवों को रोड पर लाकर रख दिया गया। ग्रामीणों ने वहां जाम लगा दिया। मौके पर SDM और CO पहुंचे, फोर्स लगाया गया। उसके द्वारा लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही थी कि इसी बीच कुछ लोगों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। इसी दौरान कुछ पुलिस वाले सर पर स्टूल रखकर और हाथ में डलिया लेकर बचने की कोशिश करते दिखे। इसी की तस्वीर सामने आने पर मामला गंभीर हो गया। उन्नाव के SP आनंद कुलकर्णी ने बताया कि पथराव करने के आरोपी 43 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से देश में हालात कुछ ठीक नहीं है। आप लोग भी सुरक्षित रहिए, अपने घरों के अंदर रहिए। घर से बाहर सिर्फ तभी निकले जब कुछ जरूरी काम हो। जब भी आप अपने घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर आपने अभी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाई है तो प्लीज वैक्सीन की डोज भी जरूर लें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। शुक्रिया।